है बल्लू बलराम, जेल से भागा हुआ मुजरिम। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। मैं कैसे लग रही हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैं जा रही हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी चली हूँ, और मम्मी भी जा रही है साथ में। पूजा नहीं जा रही इस बार क्योंकि पूजा घर पे है। अगर पूजा जाएगी तो फिर लक्की का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए हम पूरी फैमिली तो जा ही नहीं सकते। पूजा घर पे ही है। चोर का ले आए गाड़ी का नीचा। जुमा नीचा को देखिए, सवेरे तो मैं डर गई थी। फुटबॉल पाई और न्यू का लक्की की कह दिए। बिकड़ी कौन थी? मैंने सोचा डंडा डंडा वाला लगानी पड़ेगी। लक्की का था चोर? नहीं, चोर न्यू गली में पाई थी। सब सवेरे सवेरे जाऊं थी मेरे। नहीं आ तो ई भी न चकली तो न्यू कहोगी कि लक्की की थी। मेरी है, मैंने पाई थी। जो भी पाव जिसने जिस खाई होगी नहीं तो कह दिए कि मारी है, दे दे वापस। पूरा सी चिट्टा चिट्टा सारा दाग सा, मुंह है सारा दाग लगा। ठीक है भाई, ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, आपकी यात्रा सफल हो। हाँ जी, ले ओ भाई जी, ख्याल रखना। ठीक है, आगे रख लो जी उसमें। मम्मी बाय। मम्मी का तो गिंडी गिंडी हो रही है। मम्मी कितना की आई है? 150 की। 150 की गिंडी? मम्मी कटा खरीदी थी, कौन सा बाजार में खरीदी? प्रियंका को मैं टो पाई थी। मैं टो का लाई थी नुन्ना, तो मैं जा रही थी रनिंग करने, हाथ रोड़ा गली में पाई थी मैंने, और मम्मी देखी खड्डा झूठ फूट। ठीक है जाओ है, बाय। ला फोन तो दे दे, अब फोन तो ले जाना पड़ेगा, आगे शूट करनी है। मैं ब्लॉगिंग करूंगी यहाँ पे, दे दे तू ले जा, बाय। नीला कलर नहीं, ब्लैक कलर सही है। एंड 200 रुपए, एक 200 की, एक 300 रुपए की बहुत बड़ी बड़ी छतरी ले ली मैंने यहाँ लुधियाने से, और ये बेच रहे थे यहाँ पे रस्ते पे ही बेच रहे थे। ये लो भाई, ये भाई ने तो सुरमा मेरी त्रिया जमा भी गाल रखा घना घना। आंखें दिखाई भाई एक बार, आंखें देख लो जी भाई की, देखो ये देखो आंखें देख लो मेरे जैसे ही है, और इस बच्चे का भी देख लो, मेरी त्रिया बहुत ज्यादा सुरमा डाल रखा है। दो छतरी ले लिया और दो छतरी हमें पड़ी 500 रुपए की, एक तो थी 350 की बोल रहा था बेचारा, एक 250 रुपए की बोल रहा था। खुद ही ने कम कर दिए, ऐसा नहीं है कि मैंने करवाए थे, खुद ही ने कर दिए कम। देखो 500 रुपए में कुछ खास बड़ी बात तो होती नहीं, उसकी उसकी वो बेचारे की क्यों खाम खा मेहनत खराब करी माँ। कोई बात नहीं भाई, ले ले तू खुश हो तू है। तो हमने ले ली छतरी, छतरी नहीं होती है, छाते होते हैं। छाता छाता, देखो मेरी मम्मी को बोलने की ज्यादा नॉलेज है मेरे से। होगी ना, बड़ी है मेरे से, बड़ी है, ज्यादा दुनिया देखी है, तो ये भी बात हो सकती है। मैं तो दुनिया देखती नहीं हूँ, मैं तो सारा दिन सावधान इंडिया देखती हूँ। कैसे कैसे क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, कैसे कैसे क्राइम करते रहते हैं वो। मम्मी खा रही है कुलचा। मम्मी कैसे थे ये? अच्छे। और ये भी खा रहा है, रोटी तो खा के नहीं आए, अब ये खाने लग गए ये फास्ट फूड। कितनी बार बोल दिया कि तू ऐसे ना खाया कर, ना खाया कर, मेरे से भी ज्यादा मोटा होता जा रहा है, लक्की जैसा हो रहा है। रोशनी से हो जाए नहीं। अब गाइस हमने ले लिया ये बेर, और ये बेर खाएंगे हम, बहुत मीठे हैं ये बेर सच में। देखो मेरा मुंह इन्हीं जैसा दिख रहा है ना, अब मैं खाऊंगी इनको। बल्लू बलराम, जेल से भागा हुआ मुजरिम, आज माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ, और कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे दो कि यात्रा सफल हो हमारी। बेर खा लो, लाओ देसी बेर, मीठे बहुत है, बहुत मीठे है ये, किसके अंदर कच्चा भी है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो, लेकिन मैं यही खाती हूँ, कच्ची चीजें बहुत अच्छी रहती है। आजकल ही खाने लग गए मैंने, आजकल खाने लग गए। हाँ अभी आए नहीं, फिर भी मंजीत मैं खीरे खारे खा के राजी हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ के गोल गप्पे खा लिए,
चाउमिन खा ली, फास्ट फूड खा रही हूँ। आप देख ही सकते हो, अगर आप अब देखोगे ना तब कोई नहीं मन जीतू हैंडसम कहूंगा। अब तो इसका इतना बड़ा पेट हो गया। मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ वीडियो में, ये तो ना एडिटिंग यही करता है, काट देता है। पिछली बार मैंने वीडियो यहाँ बनाई थी, देखो यहीं पे बनाई थी। इस बार तो बारिश आई हुई है तो चिपकड़ वगैरह ज्यादा ही हो गया, कुछ पानी ज्यादा ही हो रहा है, दलदल से हो रही है। लेकिन यहीं पे रील बनाई थी, वो मैंने बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वो रस्ते में आ रही थी लोकेशन, हमने सोचा कि एक बार मिलते चले। चिक्कड़ बाथरूम इनके, गोबर इनका, मलमूत्र सारा कुछ वही है। जब देखो कितने नीचे नीचे से सारे सेम आ गए, देख लो गिल्ले हो रहे हैं, मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी गाइस हमने पीछे वो पार कर लिया पठानकोट, और ये कौन सी जगह आ गई, यहाँ से ये लखनपुर आ गया। यहाँ से नेट जमा बंद हो जाएगा अपनी, जो ये सिम कार्ड है ना ये बंद हो जाएंगे। फ्रेंड मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को भी कि हाँ पूजा नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाह छो रही है। काम चाहे कितना भी कर लो लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बाहर जान दे उस टाइम मम्मी के कैप्सूल है ना, मम्मी ने ही दिए थे उसको कि गाड़ी में ले के रख दे तू। गाड़ी में तो क्या रखने थे, घर पे वापस लेगी। और अब वो कैप्सूल के बिना ना मम्मी देखो कैसे पड़ी है, ये देखो अस्थमे की दिक्कत हो रही है ज्यादा। और अभी मैं हम ये सोच रहे कटरा पहुंच जाए, अभी तो 150 किलोमीटर पड़ा है, 3 घंटे का रास्ता है, वहां जाके लेंगे नया। और बाजार भी बंद हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। पूजा का ना मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं उसने कूट दूँ अच्छे से, उसको जब मैंने दिए थे कि हाँ तू जाके गाड़ी में रख दे, फिर भी उसने रखे नहीं, वापस घर पे ही रख दिए। अब जाके दिक्कत हो रही है ज्यादा। और यहाँ पे हमने फोन मिलाने की सोची, ये होटल है सामने, ये सामने होटल है, यहाँ पे तो अपना सिम कार्ड जो है बंद है। हमने सोचा कि इनका फोन लेके फोन करके पूछ लेते हैं कि तुमने कहाँ डाले थे, अगर डाले भी होंगे तो गाड़ी में रखने के लिए बोला था, पूछ लेते हैं। तो इन्होंने पता क्या बोला, सिम कार्ड लेनी पड़ेगी। अब अगर बंदे के पास आधार कार्ड वगैरह ना हो तो यानी कि मतलब फोन करने के लिए फोन नहीं देंगे ये। इन सारे लुटेरे बेईमान बदमाश दिख है, काम नहीं आंदे बुरे के बंदे। सही बात है, बहुत बेकार बंदे है। किसी की मजबूरी हो ना तो उसका काम आना चाहिए। अपने फोन का नहीं छाती का लगाए रखेंगे ऊपर, भगवान लो भी कद पहुंच जाएंगे, कौन सा फोन लेके जाओगे साथ में। देखो कितना सोहना नजारा है, देखो लाइट ऊपर लगी हुई है और ये देख ही सकते हैं आप गुफा है ये। देखो इसमें लाइट इतनी सारी हो गई, अब देखा है पहली बार देखी मैंने रात को, तो पहले तो दिन में निकले हैं हम यहाँ से। बहुत ज्यादा सुंदर नजारा है, देखो फटाफट से निकलती है जमा, फटाफट गाड़ियाँ। नींद आ गई थी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, मतलब जहाँ पे हम होटल में रुकते हैं उसी रूम में पहुंच गए। मम्मी आ रही है पीछे, देखो यही रूम लेते हैं हम हर बार, यही होता है हमारा रूम। नींद आ रही थी, जमा गणित नींद आ रही थी गाइस। अब हम खाना खाएंगे रोटी, रात के बज गया है 1 और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है आंखों में। मम्मी थक गई है, सोनी लगा ना मम्मी, सोनी लगा मेरी मम्मी। रोटी लेके आई थी पूजा ने, डाल दी थी रोटी और भी रोटी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड हमने खाना पीना खा लिया, कपड़े चेंज कर दिए है, फेस मैंने धोया नहीं क्योंकि अब भी मेरे को आ रही है बहुत ही ज्यादा नींद, और फेस धो लिया तो आंखों से नींद उड़ जाएगी, तो इसीलिए अब मैं सोऊंगी। मम्मी तो सोने की कोशिश कर रही है, आंखें दिख रही है मम्मी की। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, ख्याल रखियो अपना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में। कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या। हम सोच रहे हैं कि मम्मी को हेलीकॉप्टर में बिठा दें क्योंकि चला तो जाएगा नहीं मम्मी से, तो इसीलिए देखते हैं क्या क्या रहता है कल। टाटा बाय बाय, ख्याल रखियो अपना।